वेलकम टू जीके एग्जाम्पलीफाइड। सो फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू करेंगे अपनी वर्ल्ड मैपिंग सीरीज और यहाँ पे आज हम करेंगे द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो पहले तो देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में कौन सी कंट्रीज इंक्लूड करेंगे। सो फर्स्ट इज कैनेडा, देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड देन मैक्सिको। अभी नीचे वाली जो कंट्रीज है, ग्वाटेमाला, निकरागुआ, ये हम साउथ अमेरिकन कंट्रीज के साथ में पढ़ेंगे, इंक्लूडेड क्यूबा एंड कैरेबियन आइलैंड्स। सो यहाँ पे मेनली हम तीन कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज कैनेडा, यूएसए एंड मेक्सिको। अब एक चीज जो इम्पोर्टेंट है कि अलास्का इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो लेट्स सी ऑल मेजर वाटर बॉडीज जो हम इनके इन कंट्रीज के अराउंड है, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़े, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सो गल्फ ऑफ अलास्का अलास्का के साइड पे है। अगर आपको क्वेश्चन आए गल्फ ऑफ अलास्का कहाँ पे है, तो इट वुड बी नियर बाय अलास्का ओनली। देन हडसन बे इज नियर बाय कैनेडा, लैब्राडोर सी है, डेविस स्ट्रेट है जो लैब्राडोर सी और बैफिन बे को कनेक्ट करता है, और बेफोर्ट सी भी है यहाँ पे जो कनाडा के ही ऊपर एक लाई करता है। देन देयर इज गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, और यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ पे सेंट एंड्रियास फॉल्ट एग्जिस्ट करता है, जो कि एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री फॉल्ट है, जिसके कारण यहाँ पे काफी अर्थक्वेक्स भी आते हैं। फॉल्ट्स क्या है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट क्या है, ये हमने ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में पढ़ा है, सो आई वॉन्ट बी रिपीटिंग दैट हियर। प्लीज डू वॉच ज्योग्राफी लेक्चर इफ यू हैव एनी डाउट्स। देन देयर इज नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन कवर्स टूवर्ड्स ईस्ट एंड वेस्ट साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट रिस्पेक्टिवली। अब लेट्स सी की इम्पोर्टेंट कैपिटल सिटीज कौन सी हैं इन कंट्रीज की। सो कैनेडा की जो कैपिटल है, दैट इज ऑटवा। ओके, एंड इट इज टू द सदर्न साइड ऑफ कैनेडा है, साउथ ईस्टर्न साइड पे। और इम्पोर्टेंट सिटीज की बात करें हम, यहाँ पे उतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट सिटीज नहीं है। कैनेडा की जो मोस्ट ऑफ द लैंड है, दैट इज नॉट एज अर्बनाइज्ड एज लेट्स सी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि जो नॉर्दर्न रीजन है वहाँ पे काफी ज्यादा स्नोफॉल होता है। सो मॉन्ट्रियल एक इम्पोर्टेंट सिटी है, विनिपेग एक इम्पोर्टेंट सिटी है, क्यूबेक इम्पोर्टेंट सिटी है, ओके, हैलिफैक्स एक इम्पोर्टेंट सिटी है। सो इस तरह से कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट सिटीज, कैलगरी एक इम्पोर्टेंट सिटीज है, वैंकूवर एक इम्पोर्टेंट सिटीज है। और अगर आप नोटिस करेंगे, सभी इम्पोर्टेंट जो मेजर सिटीज हैं, दे आर टूवर्ड्स द साउथ ओनली, ओके, और ये कनेक्टेड है यूएस के साथ में। ठीक है, अब नेक्स्ट लेट सी यूएस। यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, जो ईस्ट कोस्ट पे। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे वॉशिंगटन स्टेट है, जिसकी कैपिटल है सियाटल। सो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि वॉशिंगटन डीसी इज अ सिटी एंड इट्स द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वाइल वॉशिंगटन स्टेट इज अ स्टेट एंड वॉशिंगटन डीसी लाइज ऑन द ईस्ट कोस्ट एंड वॉशिंगटन स्टेट लाइज ऑन द वेस्ट कोस्ट। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब इंपॉर्टेंट सिटीज अगर हम देखें, दे आर मच मोर इन नंबर देन एज कंपेयर टू कैनेडा। सिंपल रीजन की यूएस एक बहुत ही ज्यादा अर्बनाइज कंट्री है एज कंपेयर टू कैनेडा। और यहाँ पे अगर ईस्ट से हम शुरू करें, सैन फ्रांसिस्को है, सिएटल है, देन देयर इज लॉस एंजलिस, देन देयर इज डैलस, ओके, वॉशिंगटन डीसी है, न्यूयॉर्क है, फिलाडेल्फिया है, मायामी है। सो देर आर नंबर ऑफ डिवर्स सिटीज, एक बार आपको पता होना चाहिए कौन सी सिटी कहाँ पे है, बिकॉज यू नेवर नो। लाइक लास्ट टाइम उन्होंने सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज की कैपिटल के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लिया था, सो यू शुड रफली नो कि सिएटल नॉर्थ में है, लॉस एंजलिस नॉर्थ साउथ वेस्ट में है, मायामी इज राइट हेयर इन द स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। ठीक है, सो बॉस्टन एकदम नॉर्थ में है। सो ये चीजें अगर आपको पता होंगी तो यू माइट गेट इन क्वेश्चन फ्रॉम हेयर। एज फार एज मैक्सिको इज कंसर्न, यहाँ पे मैक्सिको सिटी ही एक ऐसी सिटी है जिसके बारे में आपको ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। सबसे बड़ी सिटी यहाँ की यही है। कुछ सिटीज जैसे ग्वाडलहारा है, चिवावा है, हुआरेज है, ये सिटीज जो हैं, इनके बारे में आपको मे बी मेंशन पता होना चाहिए। सो मैप, मैं पॉलिटिकल मैप में इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि यू नेवर नो, माइन्यूट चीजें पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट, अगर हम बाउंड्रीज के बारे में देखें, तो यूनाइटेड स्टेट्स के नेबर्स कौन कौन है। ऑन वन साइड इट्स यूएस, कैनेडा एंड इट्स मेक्सिको ऑल्सो, एंड यू कैन से कि भाई रशिया भी नेबर है। क्यों? अलास्का रशिया से डिफ्रेंशिएट हो रहा है थ्रू बेरिंग स्ट्रेट।
कनाडा का यूएस से दो साइड से नेबर है, और तीसरी साइड से यू कैन से ग्रीनलैंड और डेनमार्क इज ऑल्सो नेबर। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मेक्सिको अप नॉर्थ इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड डाउन साउथ इट्स ग्वाटेमाला एंड बेलीज ऑल्सो, और क्यूबा यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स का आप कह सकते हैं कि क्यूबा इज ऑल्सो नियर बाय। और एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि ये जो लाइन डिवाइड कर रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फ्रॉम कनाडा, खासकर जहां तक ये स्ट्रेट लाइन है, दिस इज नोन एज 49th पैरेलल। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू इंपॉर्टेंट रिवर्स। सो पहला रिवर इज यूकॉन रिवर, विच ओरिजिनेट्स इन कनाडा बट अलास्का के थ्रू फ्लो करते हुए इट ड्रेन्स इनटू बेरिंग सी। ओके, सो अब यूकॉन रिवर की खासियत यह है कि यहाँ पे प्लेसर गोल्ड मिलता है। ठीक है, प्लेसर गोल्ड का मतलब ये है कि गोल्ड टाइनी पार्टिकल्स जो है वो रिवर बेड में या फिर अलोंग द रिवर मिलता है आपको, और उसको छान के आप गोल्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सेकेंड इज, सो नेक्स्ट इज मैकेंजी रिवर। ठीक है, मैकेंजी रिवर जो है कनाडा में है, और इसका ओरिजिन जो सोर्स है दैट इज ग्रेट स्लेव लेक। आपको याद होगा लास्ट ईयर 2021 में ग्रेट स्लेव, ग्रेट बेयर एक्सेट्रा लेक्स के ऊपर क्वेश्चन भी आया था, एंड इट फ्लोज इनटू बेफोर्ट सी। ठीक है, किसी भी रिवर के बारे में हमें ये जानना है कि उसका सोर्स क्या है, वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, कुछ एक पेक्यूलियर फैक्ट उसके बारे में अगर हो, सपोज गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर, ऐसा कोई फैक्ट हो, या फिर और लास्ट में कि वो किस सी में ड्रेन कर रही है। ठीक है, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर, लेट से देयर इज नेल्सन रिवर। नेल्सन रिवर का आने का मतलब ये नहीं कि आप सोचे कि इट्स इन साउथ अफ्रीका, लेक विनिपेग से शुरू होता है और हडसन बे में जाके खत्म हो जाता है। ठीक है, देन देयर इज पीस रिवर, जो सॉर्ट ऑफ एक इनलैंड ड्रेनेज वाला रिवर है, लेक अथाबास्का से स्टार्ट होता है और इनलैंड ही कहीं पे ड्रेन हो जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट रिवर जो है दैट इज सेंट लॉरेंस रिवर, जो ग्रेट लेक ऑफ अमेरिका लेक एंटारियो ओंटारियो से स्टार्ट होता है और इट ड्रेन्स इनटू गल्फ ऑफ लॉरेंस एंड इट ड्रेन्स इनटू गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। इसका इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस ये है, इस रीजन में देयर इज अ लॉट ऑफ स्टील, सो यहाँ से जो आयरन और स्टील है वो इनलैंड वाटरवेज के थ्रू पहुंचाया जाता है थ्रू गल्फ ऑफ लॉरेंस, और यहाँ से इट गोज टू यूरोप या फिर रेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये इस रिवर का इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पे ये कोलंबिया रिवर जो है इट फ्लोस थ्रू कनाडा इनटू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और अल्टीमेटली पार्ट ऑफ इट ड्रेन्स इनटू पैसिफिक ओशन। अब यहाँ पे एक ऊपर ये आइलैंड भी है, आइलैंड ऑफ न्यूफाउंडलैंड, और आप ओशन करंट्स वगैरह के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे कि लैब्राडोर सी का करंट और ओशन गल्फ स्ट्रीम का जो करंट आके मिलता है, यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड्स बहुत अच्छे बहुत प्रोमिनेंट मिलते हैं। ठीक है, ये एक फैक्ट हम भूल गए थे ऊपर पढ़ना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रिवर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यूएस की इंपॉर्टेंट रिवर्स देखें अगर, तो मिसूरी रिवर काफी फेमस है, मिसिसिपी रिवर काफी फेमस है। ठीक है, ओहायो रिवर, काफी इनकी जो रिवर्स हैं दे आर नेम्ड आफ्टर सिटीज। ठीक है, और इनके सोर्सेज जो हैं, मिसिसिपी का लेक सुपीरियर के पास में सोर्स है, ओहायो रिवर का लेक इरी के पास में सोर्स है, तो ग्रेट लेक्स जो हैं वो काफी रिवर्स के सोर्स हैं। अब ये जो मिसिसिपी, ओहायो और मिजूरी रिवर्स हैं, ये मिलके और आर्कनसा रिवर को मिलके दे फॉर्म एन डेल्टा विच इज नोन एज बर्ड फुट डेल्टा। अगर आपकी शेप देखेंगे इसकी, जो इस तरह की शेप होती है, ये जो शेप होगा दिस विल बी नोन एज बर्ड्स फुट डेल्टा। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर इज कोलोराडो रिवर। कोलोराडो रिवर की रिफ्ट वैलीज काफी फेमस हैं एंड इट फ्लोज इनटू गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, कोलोराडो स्टेट के थ्रू ये पास करता है, और कोलोराडो का रिवर का जो कैनियंस हैं दे आर ऑल्सो नोन एज ग्रैंड कैनियंस, क्वाइट फेमस वंस। और जो नेक्स्ट रिवर है दैट इज ग्रांडे रिवर, और इसकी खासियत ये है कि फॉर्म्स अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मेक्सिको के बीच में। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स थे ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो फ्रेंड्स, अब कुछ लेक्स देख लेते हैं। ठीक है, सो कनाडा की अगर हम लेक्स देखें, सो पहली है ग्रेट बेयर लेक। ओके, देन नेक्स्ट इज ग्रेट स्लेव लेक, लेक एथाबास्का,
दिस इज लेक रेनडियर एंड दिस इज लेक विनिपेग. ओके, और इसके ऊपर लास्ट ईयर एक क्वेश्चन भी आया था इन 2021 प्रीलिम्स एग्जाम. सो अगर आप ये क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी लेक किस तरह से मैच्ड है. सो ऑब्वियस आंसर वुड बी सी. ओके, सो मैपिंग जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं एटलीस्ट इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, यू विल बी एबल टू आंसर. अब यूपीए अपने जेकेपीएससी ने बार ऐसा सेट किया है कि आपको मैप्स बड़े डिटेल में माइन्यूटली पढ़ने पड़ेंगे और वही हमारी कोशिश है. सो नेक्स्ट अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की लेक देखें तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्स हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है. और ये इनमें से पांच में से चार लेक्स जो हैं दे आर शेयर्ड बाय यूएस एंड कनाडा. सो आप लेक के बीच में यू माइट क्रॉस द बॉर्डर बिटवीन यूएस एंड कनाडा. ठीक है, इसके नाम है लेक सुपीरियर, उसके बाद मिशिगन आती है, देन लेक ह्यूरॉन आती है, उसके बाद लेक इरी आती है और लेक ओंटारियो आती है. इनको ग्रेट लेक्स भी कहते हैं. ओके, और एस एम एच ई ओ आप याद कर सकते हैं एक नेमोनिक डिवाइस यूज करके. लेक मिशिगन ही सिर्फ ऐसी लेक है जो बॉर्डर नहीं बनाती बिटवीन यूएस एंड कैनेडा, बाकी सब लेक जो है दे आर शेयर्ड बाय यूएस एंड कैनेडा. ओके, और सबसे बड़ी लेक जो है इनमें से दैट इज लेक सुपीरियर. और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये फ्रेश वाटर लेक्स हैं. ठीक है, एंड इट्स सेड कि ये अराउंड 20% ऑफ वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर इन लेक्स में है. ठीक है, लेक सुपीरियर जो है इट इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड. दिस इज इम्पोर्टेंट टू नो. अब ये अगर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है तो द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सी होगी, दैट इज कैस्पियन सी. और एक और इम्पोर्टेंट लेक है कि यहाँ पे ग्रेट सॉल्ट लेक है, एज नेम सजेस्ट दिस इज सॉल्ट वाटर लेक. और लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक जो है इट इज लेक वुल्गा इन घाना. ठीक है, एंड ये कुछ चीजें थी अबाउट लेक्स. एंड देयर वाज एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इट गोज थ्रू मैक्सिको. ठीक है, क्वेश्चन अगर आपको आए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यूएस के थ्रू जाता है, नहीं, यूएस के थ्रू नहीं जाता, मैक्सिको के थ्रू जाता है. ऑल राइट, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास करता है, हाँ करता है, ये हम आगे देखेंगे कौन से स्टेट से पास कर रहा है. नेक्स्ट लेट्स सी सम ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट. और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना भूल गया कि यूएस की देर आर 50 स्टेट्स, इनमें से सबसे बड़ी स्टेट जो है दैट इज अलास्का. ओके, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट. सो दिस इज दिस राइट हियर इज द ब्रुक्स रेंज इन अलास्का. ठीक है, और यहां से एक बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ माउंटेन्स स्टार्ट हो जाता है विच आर नोन एज रॉकी माउंटेन्स. ठीक है, सो रॉकीज जो हैं दे आर शेयर्ड बाय यूएस एंड कनाडा एंड दे आर यंग फोल्ड माउंटेन. देन देयर इज कोस्ट माउंटेन रेंज हियर और यहाँ पे आता है कास्केड रेंज. ठीक है, ये सब जो है दे आर फॉर्म्ड बाय कोलिजन ऑफ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट विद द पैसिफिक प्लेट. ओके, यहाँ पे आ जाता है सियरा नेवाडा. अब दूसरी साइड जो ईस्ट कोस्ट है वहां पे यू कैन फाइंड एपलेचियन माउंटेन्स. दीज आर ओल्ड रेजिडुअल माउंटेन्स जस्ट लाइक अरावलीज इन इंडिया और दे आर ग्रेट सोर्स ऑफ कोल एंड आयरन इन दिस रीजन. और इन दोनों के बीच में देर आर ग्रेट प्लेन्स, जो प्लेन रीजन है विच आर वेरी फर्टाइल लैंड जहाँ पे बहुत सारी फसल होती है एंड सस्टेन्स द होल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका. और ये जो ग्रेट प्लेन्स हैं दे आर ऑल्सो नोन एज प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका. ओके, and prairies are temperate grasslands of North America. Similarly, there are steppes in Europe. So, ये इनको wheat bowl of the world भी कहा जाता है. Now, Mexico भी अगर हम आएं, तो यहाँ पे दो mountain ranges हैं. एक तो western Sierra Madre है, और यहाँ पे eastern Sierra Madre है. इसको oriental भी कहा जाता है, क्योंकि east को there is, the word that is used for east is orient, and west के लिए there is Occidental. ठीक है, so these are some of the important mountains. Another mountain range is Sierra Madre del Sur. अब ये जो region है, this is known as the Isthmus of Tehuantepec. Okay, और ये जो region है, it is known as the Gulf of Tehuantepec. अब Isthmus वो region होता है, एक narrow stretch of land that divides oceans. ठीक है, तो इसमें के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे. सो इट इज अ नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड दैट डिवाइड्स टू ओशियंस और टू सीज. अब कुछ प्लेटूज देख लेते हैं. कनाडा में दिस रीजन इज नोन एज
लॉरेंशियन प्लेट्यू। सो नेक्स्ट जो कनाडा में इम्पोर्टेंट रीजन है दैट इज द कैनेडियन शील्ड, ठीक है, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द सेंट्रल कनाडा। एक और चीज मैं बताना आपको भूल गया, दैट इज द कनाडा हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। कैनेडियन शील्ड का इम्पोर्टेंस है, शील्ड इज नोन एज रेमिनेंट ऑफ पैंजिया, ठीक है। पैंजिया जो हम जानते हैं कि सुपर कॉन्टिनेंट था, जो बिफोर स्प्लिटिंग अप ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पहले एग्जिस्ट करता था बिलियंस ऑफ ईयर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। तो वहां के जो रेमिनेंट्स हैं उससे कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं इन जगहों पे, फॉर एग्जांपल मिनरल्स लाइक आयरन एटसेट्रा। एंड शील्ड हर एक कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करती है, जैसे जैसे हम जाएंगे अलग अलग पढ़ते जाएंगे। और पैंजिया में हमें मिलता है मिनरल्स लाइक आयरन, यूरेनियम, गोल्ड, कॉपर, जिंक एटसेट्रा, ठीक है। डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में आपको डिफरेंट डिफरेंट शील्ड में मिलेंगे। और दिस रीजन इज नोन एज द फ्लोरिडा पेनिनसुला, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो सेरा नेवाडा के नीचे जो एरिया है यहाँ पे देर इज अ प्लेस नोन एज डेथ वैली, ठीक है, और दिस इज द लोएस्ट प्लेस इन नॉर्थ अमेरिका, ओके। अब इसी तरह से लोएस्ट प्लेस इन वर्ल्ड कौन सी है, डेड सी, विच इज इन ऑन द बाउंड्री ऑफ जॉर्डन एंड इसराइल, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे अभी, ओके। सो दिस वॉज अबाउट मैपिंग ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है हमने देख लिए हैं। इसी तरह से वी विल बी कंटिन्यूइंग मैपिंग ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, हर एक दिन का एक मैप हम लोग ड्रॉ करेंगे। आई होप आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। कोई भी डाउट्स हैं प्लीज डू कमेंट और शेयर योर क्वेरी ऑन योर टेलीग्राम चैनल। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।